टिकी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि ये किस पर टिका हुआ है, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था पर। तो ये हम बात करें मनुस्मृति की। ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जब इसको समझ लेंगे तो शायद आपको आगे समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी मिलने वाले हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ समझेंगे तो इसके बाद आसान हो जाएंगी आगे उनको समझना, ठीक है। आगे और चलते हैं, हम देख लें आप एक बार इसको। लेकिन अगर किसी शासक वर्ग का संबंध इसके साथ जोड़ा जाए, किसी शासक वर्ग का संबंध अगर हमें जोड़ना होगा किसी भी शासक वर्ग के साथ, तो हम इसका संबंध जोड़ेंगे शुंग वंश के साथ। शुंग वंश के समय लिखी गई थी। और शुंग वंश कब आया? शुंग वंश मौर्योत्तर काल का वंश है, मौर्योत्तर काल के समय, ठीक है, शासन करता था ये। और यही वो दौर था जब शक, शुंग यानी विदेशी जो आक्रांता थे, हूण विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, अब उसमें और देखें फिर क्या चाहिए था हमको, उसके कारण क्या हो रही थी, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई थी। ठीक है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करना था, उस व्यवस्था को सुधारना था। अब आपको बताएं कि भारत में प्रतीकात्मक चीजें ज्यादा हैं, ईश्वर को मूर्ति में ढूंढते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को ढूंढते हैं, उसमें लिखा है क्या, फलाने में लिखा है, ढिमके में लिखा है, संविधान में लिखा है क्या, ये उसमें लिखा है क्या, सबूत क्या है, बता कहाँ लिखा हुआ देखा, ऐसी हमारी मान्यता रहती है। तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए एक लिखित रूप प्रदान किया गया इन सिद्धांतों को। ठीक है, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं या जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये आपके काम की हैं, और आप किस तरह से अपने नोट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी आपको इसके द्वारा पता लग जाएगा। बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी व्यवस्था, देखो आप शक आ रहे हैं, हुन आ रहे हैं, और उनके कारण वो भारतीय नहीं है, विदेशी व्यवस्था, विदेशी व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि हमें भारतीय संस्कृति को क्या कर देता है, नष्ट कर देना, या भारतीयों को हमें पूरी तरह से क्या करना है, नष्ट करना है, या भारतीयों को हमें नियंत्रित करना है। हम उनके आने के बाद भी मुस्लिम्स का भी यही औचित्य रहा, अंग्रेजों का भी यही रहा, और अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से सबसे ज़्यादा हमारे संस्कृति को क्या पहुँचाया, नुकसान पहुँचाया। आगे चलते हम,
यानी जो मनुस्मृति है उसके बारे में अगर आपसे बात की जाए तो आपके पास सारे तथ्य मौजूद होने चाहिए। अब बात करें तो इसकी रचना किसके द्वारा हुई, रचना काल जैसे हमने निश्चित करने की कोशिश की, रचना की गई मनु के द्वारा, लेकिन हम नहीं कह सकते ये कौन से मनु के द्वारा रचित है। ठीक है, क्योंकि ये एक पद है। दूसरी बात, कितने वर्षों का कार्यकाल या शासन रहा, यह वर्णन किया गया इसमें लगभग 400 वर्षों का। ठीक है, इसमें कितने वर्षों का है, 400 वर्ष। इसका दूसरा नाम है मानव धर्म शास्त्र, यहां लिख देता हूं मैं, मानव धर्म शास्त्र, ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए इसको ध्यान रखें। अन्य नाम क्या है इसका, मानव धर्म शास्त्र। ठीक है, आगे चले। अब इसके बारे में जो एक और महत्वपूर्ण बात आती है वो पूछी भी गई है, 1794 में। ठीक है, एक व्यक्ति हैं विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स। ठीक है, इनकी नज़र पड़ी कि अरे ये तो बहुत मूल्यवान वस्तु है, हमें इस वस्तु, इस पुस्तक की जानकारी को ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज लोगों को या अन्य संस्कृतियों के लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। यानी इसमें जो ज्ञान जो लिखा हुआ था या जो तत्व जो लिखे हुए थे या जो जानकारी भारत या भारतीयों के बारे में इसमें संग्रहित की गई थी, उस जानकारी का अपने आर्थिक फ़ायदों के लिए प्रयोग लेना चाहते थे अंग्रेज़, और अंग्रेज़ तब तक नहीं ले सकते थे जब तक इस बुक को संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता हो। तो ये पहला व्यक्ति है जिसने इस संस्कृत में लिखी गई बुक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और अंग्रेजी में ट्रांसलेट होने के बाद ही अंग्रेज़ों ने भारतीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बड़े अच्छे से समझा और उसका आर्थिक फ़ायदा उठाने का पूरा पूरा प्रयास किया। तो विलियम जॉन्स ने लिखा द कोड ऑफ जेंटू लॉज, यहां लिख देता हूं इसको, द कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, ये इस बुक का इंग्लिश रूपांतर है। विलियम जॉन्स ने बुक को ट्रांसलेट किया संस्कृत से अंग्रेजी, यानी इसको संस्कृत की भी जानकारी थी, संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, मैंने भी आपको बताया कि भारत की जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों को प्रारंभ में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में वो धीरे 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 इन परिस्थितियों को जब समझा, भारतीय परिस्थितियों का जब अध्ययन किया, तात्कालिक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन जब किया उन्होंने, तो उनको बड़ी आसानी से यहाँ पर सिस्टम में सर्वाइव करने की योग्यता उनके अंदर आ गई। और आर्थिक फायदा उठाए, आर्थिक लाभ
कमाया। वो कोई धर्मात्मा तो थे नहीं या किसी अन्य कार्यों के लिए भारत आए नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इन परिस्थितियों का अत्यधिक फायदा उठाने का प्रयास किया। अब आगे चलते हैं। अब आप समझते होंगे जेंटल तो सुना था सर, जेंटो नहीं सुना हमने। तो जेंटो का मतलब भी क्या होता है, पंडित या विद्वान, पंडित या विद्वान व्यक्ति, ठीक है, ये कहते हैं इनको। आप देखिए समस्याएं कुछ भी नहीं है, आप उन परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए कि ये इंपोर्टेंट क्यों। मैं आपको बार बार कहता हूं कि मनुस्मृति इतनी इंपोर्टेंट क्यों है, आज भी इस पर विवाद है, आज भी लोग इसके नाम को भूलते नहीं है, आज भी इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। तो ये अंग्रेजों के टाइम में भी इतनी महत्वपूर्ण थी कि अंग्रेजों ने पहली पुस्तक है जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेट हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, और वह एक अकेली बुक इतनी महत्वपूर्ण है जिसको मैक्स मूलर भी इंपोर्टेंट मानते हैं और विलियम जॉन्स भी जिसको इंपोर्टेंट मानते हैं, यानी ये बुक किसी भी तरह से कम नहीं रही। और ये तो आप जानते हैं कि फाइयान ने भी भारत से बुक्स ले जाने का काम किया था। फाइयान जो थे उन्होंने क्या किया, बुक ले गए। अब व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने, अपने साथ आने जाने वाले व्यक्तियों को, वो जब भी आते थे कोई ना कोई बुक ले जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब उनकी बुक्स से भरी हुई नाव जब डूबने लगी तो उन्होंने उस नाव चलाने वाले को ही पानी में धक्का दे दिया, लेकिन एक भी बुक पानी में नहीं डाली। यानी वजन जब कम करना था नाव का, तो वो वजन कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को नाव से गिरा दिया जो व्यक्ति नाव चला रहा था, और खुद वो नाव लेकर वहां से गया। आगे चलें तो हम मनुस्मृति के विषय वस्तु को देखते हैं, क्या है उसमें, क्यों है उसमें, क्या काम का है और क्या ज्यादा काम का नहीं है। तो पहली बात, यह जो बुक थी पूर्णतः राजनीतिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, यह जो ग्रंथ है वो पूर्णतः राजनीतिक ग्रंथ नहीं है। तो फिर किस पर लिखा गया है, यह है मूलतः सामाजिक व्यवस्था पर या सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, ठीक है, लिखा गया ग्रंथ था। इस ग्रंथ के मूलतः 12 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं इसके, 12 भाग, यानी 12 खंडों में किताब क्या है, लिखी गई है। राजनीतिक नहीं है या राजनीतिक व्यवस्था पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, इसने सभी चीजों को इन्वॉल्व करते हुए ये बुक लिखी गई है। आगे चलते हैं हम। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपके माइंड में जब छोटी छोटी चीज़ें चली जाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगी। पहली बात नहीं बता देता, कहीं कहीं अलग अलग रूप से अलग अलग प्रकार से इकट्ठी की हुई जानकारी है ये, जिसको मैं एक जगह आपके सामने लिख रहा हूँ। आपको जब इन चीज़ों का पता लगेगा तो जब आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो वो प्रश्न आपके लिए ईजी होते जाएंगे।
जब आप इस चीज़ को समझ कर फिर करेंगे, तो मैंने पहले ही कहा है आप समझने का प्रयास ज़्यादा करें, लिखने के लिए तो आपके पास मैटर बहुत हो जाएगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे, नोट्स वैसे उपलब्ध करवा देंगे, आप खुद भी नोट्स लिखेंगे, तो मैटर बहुत, लेकिन समझ में आ जाएगा, सिस्टम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीयों को नुकसान पहुंचाने के लिए या भारतीय संस्कृति को डाउन करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या प्रयास किए, वर्तमान में क्या प्रयास हो रहे हैं, मुस्लिम्स ने क्या प्रयास किए, और उससे पहले जो विदेशी आक्रांता और भी थे, उन आक्रांताओं ने किस तरह से भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, और भारतीय संस्कृति के मूल आधार कहाँ से हैं, यानी राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पहले अलग अलग नहीं थी, ये दोनों व्यवस्थाएं क्या रही हैं, एक रही हैं, और इनके एक होने के कारण ही नीतिशास्त्र, आचार शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारे विषय एक ही पुस्तक में लिख दिए जाते थे। धार्मिक ग्रंथ या राजा के क्या औचित्य हैं, राजा या प्रजा जो भी है वो किस तरह से अलग अलग है या एक प्रकार से, आगे चलते हैं तो हम इसके एक एक भाग को देख लेंगे, इंपोर्टेंट चीजें उनमें क्या है। लिख लिया आपने, चलें आगे। पहला भाग, ठीक है, पहले भाग में तो सृष्टि की रचना या जीवन की, सृष्टि या जीवन की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं या किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है उनका वर्णन किया गया। सिद्धांतों का वर्णन किया, ठीक है। आप जानते हैं हमारे यहाँ भी कहते हैं कि जीवन सबसे पहले कहाँ उत्पत्ति हो रही है, जल में। आजकल मॉडर्न साइंस भी कहता है सबसे पहले जीव कहाँ उत्पन्न हुए हैं, जल में। और हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है कि सबसे पहला जो अवतार लिया था वो मीन मत्स्य अवतार था, मीन या मत्स्य अवतार, मछली अवतार, और मछली कहाँ होती है, जल में होती है। तो यानी हम भी यही कह रहे हैं कि जीवन का पहला जो अंश पाया गया, शुरुआत पाई गई, वो जल से पाई गई। तो ऐसे ही मनुस्मृति भी कह रही है, मनुस्मृति में भी उसी जीवन के सिद्धांत की चर्चा की गई है। आगे चलें दूसरे भाग में, द्वितीय भाग में किया गया है कि संस्कारों की, 16 संस्कार हैं अपने यहाँ, ठीक है, ब्रह्मचर्य और गुरु के प्रति किस तरह आप भक्ति या आदर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन नियमों के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। अगला देखें, जो तीसरा भाग है उसमें क्या बताया गया है, तीसरे भाग में बताया गया है विषय जो चर्चा की गई है वो विषय है समावर्तन, ठीक है। पंच यज्ञ या पंच व्रत, पंच यज्ञ कह देते हैं हम, समावर्तन भी एक संस्कार है। जब आप लौट कर आते हैं एजुकेशन पूरी करने के बाद, जब आप अपने घर लौट कर आते हैं तो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व जो व्यवस्थाएं होती हैं उनकी बात करते हैं इसमें तीसरे भाग में। चौथा भाग, अब जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं या प्रक्रिया अपना लेते हैं यहाँ, तो फिर आपको आजीविका के संबंध में क्या क्या नियम है, आजीविका किस तरह से आपको अर्जित करनी है उससे संबंधित नियम, और गृहस्थ जीवन से संबंधित नियम, गृहस्थी या गृहस्थ जीवन, से संबंधित जितने भी नियम हैं, आज भी नियमों का पालन करते हैं, आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज जो नियम है वो तो यहाँ चले गए, और आफ्टर मैरिज आपके नियमों का पालन यहाँ किया जाए, ठीक है। अब इसके बाद है पांचवा और छठा भाग, तो पांचवा भाग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए एक बार, पांचवे में लिखिए
पांचवा भाग कहता है कि भक्ष्य और अभक्ष्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं। भक्ष्य यानी खाने योग्य और अभक्ष्य यानी जिनका भक्षण यानी भोजन में जिनका निषेध है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ये तो आपको याद आ जाएगा। आपको भी तो कुछ लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम प्रयोग किया करो, कचौरी समोसे ये पिज्ज़ा बर्गर और इस तरह के बारे में आपको बताते रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आज भी हमारे लिए खाने के जो नियम हैं उन खाने के नियमों के आधार पर ही हम अपने आगे की प्रोग्रेस को तय करने की कोशिश करते हैं। टेस्ट के लिए मत खाया करो, उबला हुआ भोजन खाओ या ऐसा खाना खाओ जो आपके लिए पौष्टिक हो, आपको प्रिपेयर करे, आपकी बॉडी को फिजिकली और मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करे, ऐसा खाना खाना चाहिए। तो ऐसी बात मनु के समय में भी की जाती थी और मनु उस बात को करता था पांचवें भाग में, ठीक है। और छठा भाग जो है वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से जुड़ा हुआ है। षष्ठ भाग, ठीक है। अब वो जो है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, अब देखो जो मूलतः जो छह भाग हैं वो हमने चर्चा कर रहे हैं। पहले में जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमको बताया जा चुका है, जीवन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जीवन कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, या जीवन या जीव से संबंधित क्या क्या बातें हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए, जीव क्या है, किस तरह से वो अपना विकास करता है, अपना पूरा जीवन संपूर्ण रूप से पूरा करने के बाद वो कहाँ जाता है, कहाँ से वो आया था और यहाँ किस तरह से अपना जीवन उसको व्यतीत करना चाहिए। संस्कारों की बात की, मूल 16 संस्कार हैं अपने यहाँ, उनमें से ब्रह्मचर्य कॉलेज आप पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जाने का भी संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है, केश उतारे जाते थे जड़ूला जिसको कहते हैं, मुंडन संस्कार जो होता था, मृतक्रम भी हमारे संस्कारों की गिनती में आते हैं। तो और जब आप ब्रह्मचर्य के लिए कहाँ जाएंगे, आश्रम जाएंगे, उस ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षक के पास पढ़ने जाएंगे तो पढ़ने के प्रति गुरु से आप कैसे कैसे किस किस प्रकार से विद्या प्राप्त कर सकेंगे ये आपको इस भाग में बताया गया। समावर्तन मैंने कहा विद्या पूरी करके जब आप आएंगे यानी ब्रह्मचर्य को त्यागेंगे या ऋतु ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह से किया जाएगा ये बताया जाएगा। इन पंच यज्ञों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, आजीविका किन सोर्सेज से आजीविका कमाई जानी चाहिए, सही सोर्सेज क्या हैं इनकम के, उनके बारे में इस तरह की वो चर्चा की गई है। अब आप यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे यहाँ आश्रम बताए जाते हैं चार, तो देखो आश्रम कितने हो गए टोटल, आगे पढ़ेंगे हम, आश्रम चार हैं, एक तो हो गया वानप्रस्थ आश्रम, एक संन्यास आश्रम सबसे लास्ट वाला, उससे पहले आता है वानप्रस्थ से पहले गृहस्थ आश्रम, और सबसे पहला जो आश्रम है वो है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। ये चारों आश्रम हैं, चारों आश्रमों के बारे में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और क्या समझते हैं आप, आज भी ऐसा ही है, 25 वर्ष तक की उम्र हमने मैक्सिमम दे दी पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, आज के लोग 25 से ज़्यादा भी पढ़ते रहते हैं, गृहस्थ आश्रम दे दिया 25 से लेकर 50 साल तक, ठीक है, जहाँ पर आप धन कमा सकते हैं, एक ही आश्रम है जिसमें धन कमाने की आपको छूट दी गई है। उसके बाद वानप्रस्थ शुरू होता है 50 से 75 साल के बीच में, और 75 से लेकर संन्यास यानी आप जब घर का त्याग कर देंगे 75 से 100 तक, यानी 100 वर्ष के जीवन काल को निर्धारित करते हुए उसके टुकड़े किए गए आश्रम व्यवस्था के अंदर। तो ये अलग अलग आश्रम है, अलग अलग भागों में इनका वर्णन किया गया। आगे चलते हैं हम, देखो ये चीज़ें आपके काम की हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप उत्तर लिखेंगे तो हम आश्रम व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि आश्रम व्यवस्था का इतना योगदान क्या है। लिखें सातवां भाग, सेवंथ, व्यवहार से संबंधित। अब व्यवहार देखो किसको कहते हैं, मुकदमों को, व्यवहार
और व्यवहार शब्द पूछा गया है किसके लिए प्रयोग किया गया, तो व्यवहार का मतलब हो गया केस, व्यवहार से संबंधित सिद्धांत या कर संग्रहण या कर निर्धारण। कर मतलब टैक्स, कर ग्रहण करने के नियम। ठीक है, सातवां भाग। आठवां भाग देखिए, अष्टम भाग में कहा गया है कि न्यायालय के द्वारा या न्यायालय में, कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने की विधि, यानी गवाही या सबूत, साक्ष्य प्रस्तुत करने संबंधी नियम। ठीक है, नवे भाग में देखें, विवाह संबंधी जो नियम बनाए गए हैं, विवाह संबंधी, यहां गृहस्थ लिखा हुआ है, यानी विवाह के बाद की पोजीशन, ये ध्यान रखें, दोनों एक मत कर देना। गृहस्थ मतलब जब विवाह हो जाएगा उसके बाद, विवाह भी हमारे यहाँ एक संस्कार है, विवाह संबंधी नियम या अनुष्ठान या क्रियाएं प्रतिक्रियाएं वो, या और फिर शूद्र और वैश्य के धार्मिक अनुष्ठान संबंधी, धार्मिक अनुष्ठान संबंधी नियम, धार्मिक अनुष्ठान संबंधी नियम। ये चीज़ें हमारे यहाँ तय की गई है। अब आगे देखिए दसवें में क्या कर रहा है, दसवें में वो ये कह रहा है कि आप जो जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के द्वारा किस तरह से आपके प्रति विपत्ति आ सकती है या उस विपत्ति का क्या परिणाम हो सकता है। तो जो दसवां भाग है वो देखें, इसको याद करने के लिए मैंने एक शब्द दिया था उत्पत्ति और विपत्ति, उत्पत्ति व विपत्ति, यानी उत्पत्ति का मतलब हो गया भिन्न भिन्न जातियों की उत्पत्ति हो रही थी। मैंने बताया अगर किताब की बात करें तो शुंग वंश, कौन सा वंश आया यहाँ, शुंग, और तब भारत पे आक्रमण हो रहे थे विदेशी भी शकों का, हुणों का, तो नई नई जातियों का उद्भव हो रहा था, तो उन नई नई जातियों का या नई नई जो वर्ग बन रहे थे उनकी उत्पत्ति का किस तरह से, या किस तरह से उनकी उत्पत्ति सही थी, ठीक थी, कौन सा वर्ण ठीक था, शंकर वर्ण आपने सुना होगा, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने पर जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, शंकर वर्ण। तो कहने का मतलब उनकी उत्पत्ति या विभिन्न जातियों के संपर्क में आने से जो नई वर्ग समाज में उत्पन्न हो रहे हैं उनसे संबंधित सिद्धांतों को यहाँ इस भाग में दिखाया गया। और विपत्ति का मतलब हो गया कि मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो मनुष्य को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए या उस विपत्ति से दूर होने के लिए, या उस विपत्ति को या उस संकट को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करने का, या उसके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं, उपाय बताए गए हैं, वो किस में बताए गए हैं, दसवें भाग में। और ग्यारहवें भाग में बताया गया है, अब देखो इनका क्रम भी बहुत ठीक है, ग्यारहवें भाग में बताया गया है कि आप अपने पापों से किस प्रकार निवृत्ति पा सकते हैं, पापों से निवृत्ति यानी मुक्ति पाने का मार्ग। मार्ग बताया गया इसमें कि आपसे अगर कोई पाप हो जाता है, कोई ऐसी दुर्घटना या ऐसा कृत्य हो जाता है जो कि आपको मानसिक रूप से आपको परेशान कर रहा है, या आपने कोई ऐसी किसी जीव की हत्या कर दी है, किसी के घर चोरी कर ली है, या किसी के हित को आप अपने लिए प्रयोग कर चुके हैं, इस तरह के छोटे जो बड़े पाप, कोई नैतिक अपराध कर दिया है,
तो ऐसे अपराधों से आप किस तरह मुक्ति पाएंगे या उन अपराधों से आपको छुटकारा किस प्रकार से मिलेगा या ऐसे क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं जिनके जिनसे आपको ऐसी मुक्ति मिले, वे 11वें भाग में। 12वां भाग देखिए, बारहवें भाग में आप देखें किसके बारे में बताया गया है, व्यक्ति के। अब यहाँ से जब पाप मुक्त होगा तो उसका जो आध्यात्मिक स्तर है या उसकी जो नैतिक अवस्था है वो उच्च स्तर पर जाएगी, या वो मुक्त हो चुका है एक तरह से, उसके मन में आसक्ति का भाव समाप्त हो चुका है, वो निरासक्त हो जाता है, या उसके मन में आता है कि कभी भविष्य में मुझसे ऐसे पाप दोबारा नहीं हो, तो इसके आध्यात्मिक विकास के लिए काम करता है। या उसमें बताया गया कि किस तरह से आप अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास यानी आत्मा को मजबूत करने के लिए या आत्मा को मजबूत, निष्पाप या नैतिक उत्थान करने के लिए या नैतिक विकास करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उन प्रयासों का वर्णन किया गया है। कौन से भाग में? 12वें भाग में। यानी आप, ये भाग ऐसा है जो आपकी मृत्यु के बाद भी या आपके मृत्यु से आगे के जीवन को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। साक्ष्य यानी सबूत, कर ग्रहण करने के क्या क्या नियम है, कर की मात्रा क्या होगी, शूद्रों के लिए भी और वैश्यों के लिए भी धार्मिक अनुष्ठान थे उस समय भी, उनको किस तरह से लागू किया जाएगा, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। उत्पत्ति और विपत्ति साथ साथ, आध्यात्मिक विकास मैंने बताया, आप किसी की हेल्प भी कर देते हैं तो यानी आप आध्यात्मिक रूप से कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। तो ये सारे इनके नियम हैं, कायदे कानून हैं, इनके भाग हैं और इनके आधार पर आप समस्त मनुस्मृति का अध्ययन कर सकते हैं। और मनुस्मृति के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपने मनु को जान लिया है, या मनु के सिद्धांतों में अगर कोई कमी आएगी या मनु का कोई विशेष कोई सिद्धांत आएगा, जैसे मैंने कहा आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो छठे और तीसरे चौथे भाग में है आश्रम व्यवस्था के बारे में, और दूसरे भाग में ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बताया गया। न्यायालय कौन से भाग में आएगा? अष्टम भाग में। तो न्यायिक व्यवस्थाएं जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में ये बात रहनी चाहिए कि हमें न्यायिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्या पढ़ना था और हमने क्या पढ़ा, ठीक है। अब आप देखिए, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, वर्तमान में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य। आज जिसे आप संविधान समझते हैं तो ये तात्कालिक समय का संविधान मान सकते हैं आप इसको, उस समय का तात्कालिक समय का क्या है ये, यानी शुंग वंश के समय का भारतीय परिस्थितियों में लागू किया गया क्या है ये संविधान मान सकते हैं आप इसको, मनुस्मृति को, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर बुक, हर राइटर को आप पढ़ने से पहले उसकी बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इनके सिद्धांतों को लेकर। अगले जो बिंदु है हमारा